दोस्तों, अगर आप भी कर रहे हैं सिविल सर्विस की तैयारी, तो प्रभात एग्जाम आपके लिए लेकर आए हैं इन न्यूज टॉपिक्स, जो आपको आपकी परीक्षा में सफल होने में सहायक सिद्ध होगी। लेकिन उससे पहले, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। गगनयान हेतु अबॉर्ट मिशन। गगनयान मिशन के दौरान चालक दल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो वर्ष 2022 में दो मानव रहित अबॉर्ट मिशन लॉन्च करेगा। यह अंतरिक्ष में देश की पहली मानव युक्त उड़ान के लिए इसरो के रोड मैप का एक हिस्सा है। इस उद्देश्य के लिए पहला परीक्षण वाहन सितम्बर 2021 में लॉन्च किया गया। गगनयान से पहले अबॉर्ट मिशन क्यों? अबॉर्ट मिशन उन प्रणालियों का परीक्षण करने के लिए है जो विफलता के मामले में चालक दल को अंतरिक्ष यान के बीच उड़ान में बचाने में मदद कर सकते हैं। इसरो ने पहले ही वर्ष 2018 में पेड अबॉर्ट टेस्ट किया था, जहां लॉन्च पैड पर आपात स्थिति में चालक दल अंतरिक्ष यान से बच सकता है। अबॉर्ट मिशनों के लिए इसरो ने परीक्षण वाहन विकसित किए हैं, जो सिस्टम को एक निश्चित ऊंचाई तक भेज सकते हैं, विफलता का पता एवं स्केप सिस्टम की जांच कर सकते हैं। स्केप सिस्टम को 5 त्वरित अभियान सॉलिड फ्यूल मोटर्स के साथ एक उच्च बर्न रेट पॉपुलेशन सिस्टम और स्थिरता बनाए रखने के लिए फिन के साथ डिजाइन किया गया है। क्रू स्केप सिस्टम विस्फोटक नटों को फायर करके क्रू मॉडल से अलग हो जाएगा। इसरो का उद्देश्य उस प्रणाली को पूर्ण करने पर है जो भारतीयों को अंतरिक्ष मिशन पर ले जाएगी और मिशन विफल होने पर अंतरिक्ष यात्रियों की रक्षा करेगी। क्या है गगनयान मिशन? गगनयान भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का एक मिशन है। गगनयान वर्ष 2023 में लॉन्च होगा, जिसके तहत 3 अंतरिक्ष अभियानों को कक्षा में भेजा जाएगा। इन 3 मिशनों में से 2 मानव रहित होंगे, जबकि 1 मानव युक्त मिशन होगा। मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम, जिसे ऑर्बिटल मॉड्यूल कहा जाता है, में एक महिला सहित 3 भारतीय अंतरिक्ष यात्री होंगे। यह मिशन 5 से 7 दिनों के लिए पृथ्वी से 300 से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर निम्न भूकक्षा में पृथ्वी का चक्कर लगाएगा। पेलोड में क्या क्या शामिल होगा? पेलोड में शामिल होंगे क्रू मॉड्यूल, मानव को ले जाने वाला अंतरिक्ष यान, सर्विस मॉड्यूल, 2 तरल प्रणोदक इंजनों द्वारा संचालित, यह आपातकालीन निकाय और आपातकालीन मिशन अबॉर्ट व्यवस्था से लैस होगा। लॉन्चिंग। गगनयान की लॉन्चिंग हेतु 3 चरणों वाले GSLV-MK3 का उपयोग किया जाएगा, जो भारी उपग्रह की लॉन्चिंग में सक्षम है। उल्लेखनीय है कि GSLV-MK3 को प्रमोचन वाहन मार्क 3 भी कहा जाता है। रूस में हुआ प्रशिक्षण। जून 2019 में इसरो के मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र तथा रूस सरकार के स्वामित्व वाली ग्लाव कोस्मोस ने भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों के परीक्षण हेतु एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए, जिसमें उम्मीदवारों के चयन में रूस का समर्थन, चयनित यात्रियों का चिकित्सीय परीक्षण तथा अंतरिक्ष परीक्षण शामिल है। अंतरिक्ष यात्री के रूप में चयनित उम्मीदवार शियूस मानव युक्त अंतरिक्ष यान की प्रणालियों का विस्तार से अध्ययन करेगा। साथ ही 276MD के विमान में आपातकालीन भरहीनता मोड में प्रशिक्षित होंगे। सियूस एक रूसी अंतरिक्ष यान है, जो लोगों को अंतरिक्ष स्टेशन पर ले जाने तथा वापस लाने और अन्य सामग्री की आपूर्ति का कार्य करता है। 276MD के एक सैन्य परिवहन विमान है, जिसे विशेष रूप से प्रशिक्षु अंतरिक्ष यात्रियों और अंतरिक्ष पर्यटकों की परवालिक उड़ानों के लिए डिजाइन किया गया है।